मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूलाज लिखवाए थे इसके। फर्स्ट लॉ में क्या करवाया था कि कितने टाइप के प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया होगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, DQ DU प्लस DW। फिर ये डिस्कस किया था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप DU को क्या पुट करेंगे, जीरो। बॉइलिंग प्रोसेस में DU को जीरो नहीं करेंगे, DU निकालने को आएगा बॉइलिंग में, जबकि टेम्परेचर सेम रहता है फिर भी बॉइलिंग के अंदर DU की वैल्यू जीरो नहीं रहती। इसके बाद हमने एडियाबैटिक किया था, DQ की वैल्यू जीरो। फिर हमने वर्क डन इन आइसोथर्मल का फॉर्मूला नोट किया था, वर्क डन इन एडियाबैटिक का फॉर्मूला नोट किया था। ये रहा वर्क डन इन एडियाबैटिक, ये रहा, ये फॉर्मूला नोट किया था। वर्क डन एडियाबैटिक के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये डिस्कस किया था। बल्क मॉडल्स किया था, एंट्रोपी की थी, और अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल पीवी डायग्राम के ऊपर, अगर आपको पीवी डायग्राम गिवन हो और आपसे अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछ ले तो आप एरिया इनसाइड ए साइकिल निकाल देना पी इंटू वी, आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन पता लगेगा। अगर ये साइकिल क्लॉकवाइज है वर्क डन पॉजिटिव है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, प्रेशर एटमोसफेयर में है तो मीटर क्यू में कर लेना, प्रेशर वॉल्यूम लीटर में है तो मीटर क्यू में कर लेना, ठीक। उसी तरीके से इसके अंदर सपोज क्वेश्चन है ABC आपका एक डायग्राम है, इसके अंदर एनर्जी एट U एट A, तो एनर्जी एट A जीरो गिवन है, एनर्जी इंटरनल एट B 30 गिवन है। आपको क्या निकालना है, एनर्जी B से C DQ जो हमने लगाया उसकी वैल्यू गिवन है 50 जूल। हमने सिस्टम में एनर्जी दी तो ये प्लस 50 होगा। आपको क्या निकालना है, पहले यू ऑफ सी, आपको इंटरनल एनर्जी कहाँ निकालनी है, यू सी। तो आप बी से लेके सी तक क्या लगाएं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बी से लेके सी तक लगाएं, तो क्यू बी सी आपको पता है 50 है, क्योंकि आप बी से सी जा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, यू सी माइनस यू बी होगा। वर्क डन इसमें जीरो है क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो जीरो हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्यू बी सी पता है, U of B क्वेश्चन में पता है, UC की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये की आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में हीट रिलीज निकालनी है C से लेके A तक। अब C से लेके A तक आप इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं C से A, तो फाइनल माइनस इनिशियल U of A क्या है, जीरो। U of C हम निकाल चुके हैं 80, और वर्क डन C से A क्या होगा, एरिया अंडर C है, ये पूरा ट्रेपेजियम जो बनेगा इसका वर्क डन होगा, और क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, एक्सपेंशन में पॉजिटिव कंप्रेशन में नेगेटिव, तो ट्रेपेजियम से वर्क डन आ जाएगा, पुट कर लेना सॉल्व करके Q ऑफ C आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ लगा के आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार आता है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम पानी है, 373 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो 1 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया एट सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बिकम्स 1671 सेंटीमीटर क्यूब ऑन बॉइलिंग, तो वाटर किस में बन गया, स्टीम में बन गया। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, DU निकाल लें इफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, L की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैंने बताया था बॉइलिंग में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे चलता है, तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये भी बताया था DU जीरो कर दो, पर बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस में जिसे DU जीरो नहीं करना, लेटेंट हीट होती है उसमें, तो आप इसमें वॉल्यूम पता है आपको वाटर का स्टीम का, तो यहाँ से DV आ जाएगा, DV आ गया तो PdV से वर्क डन आ जाएगा। अब आप एक काम करें, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW लगा दें, DW आप निकाल चुके हैं PdV से, ये गिवन है, DU आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, और हीट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m टाइम्स l, q इज इक्वल टू ml, क्योंकि स्टीम बन रही है तो q इज इक्वल टू ml लगेगा, सॉल्व करके DU कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपने DQ की जगह पुट करना है ml, DW की जगह PdV, DV में चेंज ऑफ वॉल्यूम स्टीम और वाटर का, सॉल्व करके आपके पास DU आएगा, तो DU की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड।
उसी तरीके से क्वेश्चन है, अ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, जब वर्ड आ जाए कि गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड, समझो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल धीरे धीरे चलता है, एडियाबैटिक तेज चलता है, एडियाबैटिक में तेज कंप्रेशन होता है, तो एडियाबैटिक तेज कंप्रेशन है, तो इसके अंदर वैसे भी गामा गिवन है, तो आपको गिवन है कि ओरिजिनल वॉल्यूम से हाफ दी वॉल्यूम है, कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल टेम्परेचर आपको गिवन है, टी वन पता है, टी टू निकालना है, तो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, तो टी वन यहाँ से टी टू आ जाएगा, टी टू आ गया तो टी टू माइनस टी वन से चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ गैस 127 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपैंड्स आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, तो वॉल्यूम वी से क्या हो गया डी वी टू वी, फाइन अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड हीट एब्जॉर्ब, डी डब्ल्यू निकालना है और डी क्यू निकालना है, तो इसके अंदर टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम वी से टू वी आ गया, वर्क डन की वैल्यू का वन मोल का ये वर्क डन पता है, तो वन मोल में वॉल्यूम टू वी से टू वी हो गया, लॉग ऑफ टू क्या होता है 0.3010 होता है, सॉल्व करके डी डब्ल्यू आ गया, वर्क डन आ गया, तो डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू इन आइसोथर्मल में क्या होता है जीरो होता है, वर्क डन हमारे पास आ गया, तो यहाँ से डी यू कैन बी कैलकुलेट, तो डी यू भी आ गया और डी डब्ल्यू भी आ गया, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस आइसोथर्मल और कुछ एडियाबैटिक गिवन है, तो गिवन है ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है और एडियाबैटिक है, आपको इस ग्राफ में रेशियो निकालनी है वी ए वी डी की और वी बी वी सी की, तो इनके बीच में क्या कंपैरिजन है, तो चलो कंपैरिजन जो भी होगा, अगर ये एडियाबैटिक है तो इक्वेशन क्या लगेगी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या चल रहा है टी वन, टी वन वी बी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है टी टू वी सी रेज टू पावर गामा माइनस वन, इक्वेशन नंबर वन, फिर आप ए बी लें, फिर आप डी ए लें, सॉरी डी ए में यहाँ टेम्परेचर कितने टी टू इंटू वी डी रेज टू पावर गामा माइनस वन, यहाँ पे टी ए इंटू वी ए रेज टू पावर गामा माइनस वन, तो इक्वेशन में वन एंड टू इन्हें डिवाइड करें, टी वन से टी वन, टी टू से टी टू कैंसल, तो गामा माइनस वन भी कैंसल, ये रेशियो आ जाएगी और रेशियो इनकी बराबर है, ऐसा कुछ आंसर आएगा। बात ये नहीं है, बात यह है कि इस टाइप की क्वेश्चन में आपने कैसे इक्वेशंस को यूज करके अपना आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसके अंदर सेम क्वेश्चन है, स्टीम वाला, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर ड्यू निकालो, एग्जैक्टली सेम है ये, ओके। नेक्स्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, देखो या तो प्रोसेस में जो कुछ तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आइसोबारिक एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट का प्रोसेस है, और जो आपका एडियाबैटिक है और आइसोथर्मल है, लेकिन क्या पता कोई इक्वेशन ऐसी हो या कोई प्रोसेस ऐसा हो जो ना आइसोथर्मल हो, ना एडियाबैटिक हो, ना आइसोकोरिक हो, ना आइसोबारिक हो, फिर पता नहीं क्या हो। जैसे कोई इक्वेशन देता हूँ मैं आपको, पी वी रेज टू पावर सेवन इज कॉन्स्टेंट, अब गामा सात तो होता नहीं किसी का, तो ना तो ये एडियाबैटिक है, ना ही आइसोथर्मल है, ना ही आइसोबारिक है, ना ही आइसोकोरिक है, तो फिर ये कुछ भी नहीं है, तो जो प्रोसेस कुछ भी स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है तो वो पॉलीट्रॉपिक है। तो पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन है पी वी रेज टू पावर x इज अ कॉन्स्टेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक एक इन जनरल इक्वेशन है किसी भी गैस की, इसमें से सारे स्टैंडर्ड प्रोसेस निकल सकते हैं। तो पी वी रेज टू पावर x इज अ कॉन्स्टेंट में x रियल नंबर है, तो अगर x की वैल्यू जीरो है तो पी वी इज अ कॉन्स्टेंट, तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो p इज अ कॉन्स्टेंट, तो प्रोसेस क्या बन जाएगा आइसोबारिक बन जाएगा। अगर x इन्फिनिटी है तो वॉल्यूम इनफाइनाइट है, तो यानी कि प्रोसेस क्या बन गया आइसोकोरिक बन गया। अगर x 1 है तो p भी कॉन्स्टेंट है, तो क्या बन गया टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया। और अगर कुछ भी नहीं है, या अगर मान लो गामा है, तो पी वी रेज टू पावर गामा कॉन्स्टेंट का मतलब एडियाबैटिक बन गया। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर ये पॉलीट्रॉपिक है। तो जब ये कुछ भी नहीं है तो फिर पॉलीट्रॉपिक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला नोट करो, पहले इक्वेशन नोट करो। पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन है पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन नोट करो, ये पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन है। और पॉलीट्रॉपिक के अंदर देखो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हम मोलर स्पेसिफिक हीट लेते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो या कांस्टेंट प्रेशर पे हो, ठीक है, हम अपने एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, पर मान लो मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो ना कांस्टेंट प्रेशर पे है, ना आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक है, तो फिर ना मैं सी के पैर में ना तो वी डालूंगा ना मैं पी डालूंगा, तो फिर सी सी रहेगा। तो सी की वैल्यू पॉलीट्रॉपिक में क्या होगी, सी वी यानी कि
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। तो ये नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पोलिट्रोपी का यही है। तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। तो आपको बस पता लग जाए अगर कि इक्वेशन पोलिट्रोपिक है, यहाँ से एक मिनट में आंसर आएगा। ठीक, लिख लिया फॉर्मूला। प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, इसकी अननेसेसरी है, जरूरत नहीं है। इसको यूज़ कैसे करना है ये एक बार देख लेते हैं। यूज़ के लिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एन आइडल गैस अंडरगोज क्वाजी स्टैटिक। क्वाजी स्टैटिक का मतलब होता है स्लो एंड स्टेडी, एक स्लो चलने वाला इक्विलिब्रियम का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्वाजी स्टैटिक बोलते हैं। इन विच मोलर हीट कैपेसिटी सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो सी कॉन्स्टेंट है और इक्वेशन गिवन है पी वी रेज टू पावर एन इज अ कॉन्स्टेंट। अब एन इसमें कुछ भी हो सकता है, अब इसका मतलब कि एन अगर कुछ भी हो सकता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो फॉलो नहीं कर रहा। तो एन आपको निकालना है, आपको पॉलीट्रोपिक का फॉर्मूला ये आता है, बस ये आता है, लिख लो। तो इस फॉर्मूले में एक्स पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट में एक्स की जगह उसने क्या चेंज कर दिया, एन। तो आप भी एक्स की जगह क्या चेंज कर दो, एन, बस खत्म हो गया। एन निकालना है, एन निकाल लो। तो ये वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, 1 माइनस एन एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, एन की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगी सी वी प्लस आर सी पी, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लोगों को जो ये पढ़ के नहीं जाते वो सोचते हैं या तो दुनिया में सी पी होता है या सी वी होता है, सी तो होता ही नहीं। तो वो कन्फ्यूज होते हैं कि सी पी सी वी के साथ सी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो तीसरा फैक्टर और आ गया। पर जिन्होंने पॉलीट्रोपिक किया हुआ है उनको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो ये आपके पास आंसर मार्क करने को आएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, जैसे जैसे ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें एक बार।
स्ट्रक्चर के अंदर एन आइडल डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का सीवी दे रहे हैं, अच्छी बात है सीवी दे रहा है, नहीं तो आपको ये बाय डिफॉल्ट याद ही करना है सीवी सीपी। ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम वी आई एट प्रेशर पी आई, गैस एक ऐसा प्रोसेस अंडर कर रही है जिसके अंदर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, पी प्रोपोर्शनल टू वी है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ये देखा गया कि आर एम एस स्पीड डबल हो गई। ये स्टेटमेंट ना बड़ी क्लासिकल स्टेटमेंट है, इसका आर एम एस से कोई लेना देना नहीं है। आर एम एस स्पीड डबल होने का मतलब ये हिंट देना कि टेम्परेचर 4 times हो गया, क्योंकि आर एम एस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर आर एम एस डबल है तो टेम्परेचर 4 times है, तो इनडायरेक्ट ये बता रहा है कि टेम्परेचर 4 times हो गया। आपको इसमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई द गैस एज अ हीट। तो रूल नंबर वन, ये प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक लिख नहीं रहा लेकिन है, क्यों? क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट दे रहा है, यहाँ से कॉन्स्टेंट लगेगा, वॉल्यूम नीचे आएगा, पी वी रेज़ टू पावर -1 इज अ कॉन्स्टेंट आएगा। अब ये इक्वेशन एडियाबैटिक की तो है नहीं, गामा तो मान होता नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू -1 करके क्या बनेगा, पॉलीट्रॉपिक है। तो पॉलीट्रॉपिक में एक्स इक्वल टू -1 आ गया, सी वी मुझे पता है, फॉर्मूला मेरे को एक ही आता है सी निकालने का, सी का फॉर्मूला क्या है, सी वी प्लस आर अपॉन 1 - x, तो सी आ गया। हीट का फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी पी डी टी या सी वी डी टी, यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक में सिर्फ सी डी टी, तो एन पता है सी पता है और चेंज इन टेम्परेचर 4 times है तो 3T हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो सी की वैल्यू हमने निकाली ऊपर से क्या निकाली, 3R, सी की जगह 3R, तो ये टर्म आ गई, या तो ये ऑप्शन मिलेगा या NRT की जगह PV मिलेगा, इन दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब ऑप्शन ऐसा दिखेगा आपको। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पॉलीट्रॉपिक कभी अपने मुंह से कभी नहीं बोलेगा पॉलीट्रॉपिक है, ये आपको सोचने की पॉलीट्रॉपिक है, ठीक है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ, ये कुछ ऐसा गिवन है पीवी डायग्राम, आपको इसमें नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन की जो वैल्यू होगी इसमें वो क्या होगी, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन में एरिया इनसाइड अ साइकिल होता है। अब साइक्लिक में क्या होता है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव होगा और इसका एरिया क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो पहले इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया ट्राइंगल का क्या, हाफ इंटू बेस क्या है, V2 - V1, और हाइट क्या है, P0 - P1। फिर इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू V4 - V3, और ये हाइट में क्या आएगा, हाइट में आएगा P3 - P0। तो आप चेक करें वर्क डन की वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये टर्म आ गई आपके पास। अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसके अंदर आपको V2 - V1 पता है, लीटर में या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। आपको इस क्वेश्चन में P0 पता है, आपको इस क्वेश्चन में P1 भी पता है, तो ये टर्म तो आ गई। फिर आपको इस क्वेश्चन में P3 पता है बोरा, आपको इस क्वेश्चन में P0 पता है बोरा, आपको बस ये नहीं पता। तो ये वैल्यू निकालने के लिए V4 - V3 ये वैल्यू निकालने के लिए आप सिमिलैरिटी लगाएं। सिमिलैरिटी में क्या होगा, दिस बेस V2 - V1 डिवाइडेड बाई V4 - V3, दिस हाइट यानी कि P0 - P1 डिवाइडेड बाई P3 - P0। ये देखो सिमिलैरिटी लगाएं, सिमिलैरिटी में सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ ये नहीं गिवन, तो यहाँ पुट करके टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लें। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं, आया है नीट में क्वेश्चन, वैसे बता दूं मेन्स में भी नहीं आया, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर आपको नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ए से लेके बी क्या होगा, ये एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि कंप्रेशन है, इसका वर्क डन 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इसका वर्क डन ये होगा इस बड़े रेक्टेंगल का और पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क डन है, तो कंप्रेशन का वर्क डन है, एक्सपेंशन का वर्क डन है, तो ऐड करके नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब किया हुआ है कुछ नहीं करना, रिपीट है। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो,
तो पॉलीट्रोपिक गैस के लिए पी वी रेशियो पर एल्फा इज अ कॉन्स्टेंट है, बड़ा सी आपको गिवन है, आपको एल्फा निकालना है, और ये गिवन होना चाहिए, गैस मोनोटोमिक है नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये गिवन होना चाहिए, सी वी गिवन होना चाहिए। अब आपको पॉलीट्रोपिक में आता है ये एक फॉर्मूला, ये वाला एल्फा आपको निकालना है, ये गिवन है, मोनोटोमिक गैस पता है, सॉल्व करके एल्फा कैसे निकालो बेटा। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलीट्रोपिक के ऊपर, पॉइंट समझ में आ रहा है, पर अगर कर नहीं रखा तो सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन ओनली फॉर नॉन मेडिकल, मेडिकल वाले 2 मिनट रेस्ट करें, उनको बिल्कुल भी नहीं आएगा। नॉन मेडिकल में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जब पेपर मुश्किल आता था, मैं करवाना चाहता हूँ 2 क्वेश्चन ऐसे, एटलीस्ट अगर इस साल आ जाए तो कम से कम पता होगी क्या करना क्या है। इसके अंदर फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी सी निकालनी है आपको, उसने ये नहीं कहा सी पी निकालना है, उसने ये भी नहीं कहा सी वी निकाल, उसने कहा सी निकालना है। और क्या गिवन है, टेम्परेचर, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर गिवन है, जो वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज हो, ये बिल्कुल भी एडियाबैटिक नहीं है और ना ये आइसोथर्मल है, अजीब सी क्वेश्चन उसने दे दी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की। क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें वैल्यू निकालनी है सी की। तो रूल नंबर 1, आपको अगर सी निकालना है ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ऐसा देखने में लगता है ये पॉलीट्रोपिक है, भी पॉलीट्रोपिक क्योंकि सी का फॉर्मूला सी वी प्लस समथिंग आ रहा है, पर अगर मैं अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाऊं ना तो उसे आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है 1 माइनस x, तो 1 माइनस दिख नहीं रहा मुझे। तो अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, चैप्टर का नाम फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ लगा दो। फर्स्ट लॉ में यहां पुट करो एन सी डी टी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट प्रेशर में तो हो नहीं रहा, पॉलीट्रोपिक है तो सी पी नहीं आएगा, सी आएगा। यहां पर डी यू में तो हर हालत में सी वी ही आता है, सबको पता है, एन सी वी डी टी, और इसकी जगह पी टी वी। अब आपने काम करना है, यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू लिखनी है और डी वी को एलिमिनेट करते हुए डी टी में कन्वर्ट करना होता है, ताकि डी टी डी टी डी टी क्या हो जाए, कैंसिल। ये मैथ वाले लोग जानते हैं, डी वी को डी टी में कैसे कन्वर्ट करना है, इक्वेशन लिखें, डी वी डी टी से डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके अपने आप डी वी की टर्म इन टर्म्स ऑफ डी टी आ जाएगी, और ये वाली टर्म तो ऑलरेडी आपको टी गिवन है, तो आप सॉल्व करके डी वी इन टर्म्स ऑफ डी टी निकालें। मैथ वालों को समझ में आ रहा है ना, तो कैलकुलस यूज करके डी वी को यहाँ पुट करें, पी को पुट करें, एन आर टी बाई वी, सब कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो कन्वर्जन है, ये मैथ्स वाले इंटीग्रेशन वाले लोग ही कर सकते हैं, जिनको इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आती है, समझ में आ रहा है, कैलकुलस वाले लोग ही कर पाएंगे इसे, जैसे मतलब आपको आपके लिए फर्क नहीं, आपके लिए रूटीन काम आएंगे डी वी और डी टी कैलकुलेट करना। जैसे ये 4 ग्राफ है, पूछेगा कौन सी स्लोप आइसोथर्मल और कौन सी एडियाबैटिक है, जिसकी स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक है, जिसकी स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है। जैसे इसके अंदर इसकी स्लोप ज्यादा है इसकी कम है, तो ये क्या है, एडियाबैटिक है, और ये आइसोथर्मल है, गलत है। ठीक, वो इसलिए क्योंकि ना ये आइसोथर्मल है ना ये एडियाबैटिक है, याद रखना इन दोनों में से ए भी आइसोथर्मल एडियाबैटिक हो नहीं सकते। रीजन बताता हूँ, क्योंकि अगर आप आइसोथर्मल लेते हैं तो पी वी इज अ कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा, और अगर आप एडियाबैटिक लेते हैं तो पी वी रेज़ टू पावर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, इसके अंदर भी सेम रूल है, इस 2 ग्राफ में प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ना ये आइसोथर्मल ना एडियाबैटिक, दोनों बढ़ नहीं सकते। इनमें ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, तो इसकी स्लोप ज्यादा है टैन थीटा, तो ये क्या बनेगा, एडियाबैटिक, और ये क्या बनेगा, आइसोथर्मल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन भी 2 मिनट रेस्ट करें मेडिकल वाले से, ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी जागते रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी ओनली फॉर नॉन मेडिकल है, क्वेश्चन पढ़े, इस क्वेश्चन में गैस एक्सपैंड कर रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, अब ना ही आइसोथर्मल ना ही एडियाबैटिक, बस कुछ भी इंस्टेंटेनियस है। फाइंड वर्क डन व्हेन टेम्परेचर चेंज गिवन है 60 केल्विन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। अब वर्क डन का क्या लगाऊं फॉर्मूला, ना ही आइसोथर्मल ना ही एडियाबैटिक, तो कुछ अलग ही लगाना पड़ेगा, और कुछ ना समझ में आए तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है, पी डी वी की इंटीग्रेशन। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं डी वी की इंटीग्रेशन चलाता हूँ मैथ्स में, तो मुझे लिमिट भी वॉल्यूम की पुट करनी पड़ेगी, इनिशियल एंड फाइनल, जो कि मुझे गिवन नहीं है। हाँ, मुझे टेम्परेचर का चेंज गिवन है, तो अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल T2 है, तो T2 - T1 गिवन है 60 है, तो मेरे को डी वी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डी टी, ताकि लिमिट्स किसकी लग जाए, टेम्परेचर की लग जाए। फिर अपना मैथ्स याद करो, लिखो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, फिर डिफ्रेंशिएट करो, डी वी इन टर्म्स ऑफ डी टी निकालो, इस पूरे एक्सप्रेशन डी वी को यहाँ पुट कर दो, डी वी को पुट कर दिया, और वी की वैल्यू तो टी की फॉर्म में ऑलरेडी पता है, वी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सब कुछ टेम्परेचर की फॉर्म में आ गया, लिमिट लगाओ, T2 - T1 60 के बने आंसर आ जाएगा। तो सारी गेम कैलकुलस की है, बहुत मुश्किल भी नहीं है,
आपको दो क्वेश्चन की टेक्निक समझ में आ गई, डीवी से डीटी या डीडी से डीवी कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? यहाँ तक मेडिकल में नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो नॉन मेडिकल के लिए, फिर से लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को भी देख लो प्लीज। हाँ, पर मेडिकल वालों को एक चीज सीखने वाली है, बताता हूँ क्या, कर भी लेंगे तो नुकसान नहीं है वैसे, इतना भी कोई ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं है इसमें। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रहा है, प्रेशर वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा है, पूछ क्या रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। अब बंदा पहली बार जब बैठे ना, उसको ना पता हो, वो ना देखता है यार प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है ही नहीं, तो सोचता है कि अच्छा प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर का क्या होगा, PV/RT। मत करना ऐसा कुछ भी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसकी ना इक्वेशन बनाओ पहले। जब भी क्वेश्चन टेम्परेचर पे आएगा तो ये मान लो X1 Y1 है, ये X2 Y2 है, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है मैथ्स में, शायद आपने सुनी होगी इक्वेशन। तो इसके अंदर वाई एक्सिस में प्रेशर चल रहा है, एक्स एक्सिस में क्या चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है, X1 पता है, Y1 पता है, X2 पता है, Y2 पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, प्रेशर की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये पी और वी की इक्वेशन आ गई। तो लेकिन मुझे क्या निकालना है, टेम्परेचर, तो PV = nRT लगा के आप टेम्परेचर की वैल्यू को कैलकुलेट करना, क्योंकि प्रेशर तो आपको पता है, तो प्रेशर की वैल्यू को पुट करके टेम्परेचर निकाल के ये टेम्परेचर आ जाएगा। तो कभी भी पी और वी के ग्राफ से टेम्परेचर निकालना हो तो आप पहले लाइन की इक्वेशन बना लें पी और वी की, और PV = nRT से टेम्परेचर की वैल्यू को, प्रेशर को सब्स्टिट्यूट करके टेम्परेचर की फॉर्म में निकाल लें। पर उसने टेम्परेचर नहीं पूछा, उसने मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा। अब याद करें फिर अपना कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा, टेम्परेचर को मैक्सिमम करने के लिए उसको डिफरेंशिएट = 0, मेडिकल में नहीं आएगा। तो इसे डिफरेंशिएट करें, ये वॉल्यूम आएगा जब टेम्परेचर मैक्स है, इस वॉल्यूम को टी के अंदर पुट करें, टी मैक्स की वैल्यू आएगी। ये मेंस वालों ने क्वेश्चन डाला हुआ है, डाला तो डाला है ठीक है, लेकिन मुश्किल पेपरों में डाला हुआ है, नीट में नहीं आएगा, आप चिंता मत करें नीट वाले, ठीक है? यहां तक ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी आया तो मेंस में है पर मुझे लगता है कि नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इतना लंबा तो नहीं पर ब्रेक करके क्वेश्चन डालेंगे वो, और मैंने देखा भी है शायद नीट के अंदर कुछ, बताता हूँ क्या देखा है। हीलियम गैस है,
साइक्लिक प्रोसेस है पीवी का, आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी है साइकिल की। साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी का फॉर्मूला नोट कर लें, फॉर्मूला ये नोट कर लें, एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन पॉजिटिव हीट इनटू 100। एफिशिएंसी इज वर्क डन डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हीट इनटू 100, ये नोट कर लें। तो एफिशिएंसी निकालनी है। देखो न्यूमिनेटर निकालना बड़ा आसान है, न्यूमिनेटर क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पी नॉट इनटू वी नॉट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इसका वर्क डन है। क्या निकालना है, पॉजिटिव हीट। पॉजिटिव हीट निकालने के लिए एक बात बताओ, अगर मैं एक्सपेंशन ले रहा हूँ, एक्सपेंशन का मतलब है गैस एक्सपैंड कर रही है, जब एक्सपैंड कर रही है तो देखो मैं हीट दे रहा हूँ तो एक्सपैंड कर रही है, तो वो क्यों पॉजिटिव है। लेकिन अगर कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन के अंदर जब गैस को दबाते हैं तो हीट बाहर निकल जाती है, वो क्यू नेगेटिव होती है। तो हमें क्या चाहिए, क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव दो चीज़ों में होगा, पहला जब प्रेशर बढ़ रहा है तब भी हम हीट दे रहे हैं तभी प्रेशर बढ़ रहा है, और दूसरा जब एक्सपेंशन हो रही है तो भी क्यू पॉजिटिव है, हम हीट दे रहे हैं तभी एक्सपेंशन हो रही है। तो अपने को हीट निकालनी है ए बी और बी सी में, तो जो भी हीट हमने दी वो निकाल लें ए बी और बी सी में, उसको हम यहाँ पे पुट करके हुए आंसर निकाल लेंगे, डाउट इसमें। तो ए बी और बी सी के अंदर हीट निकालें, ए बी के प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ए बी के प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, पी नॉट से टू पी नॉट। तो एक काम करते हैं, ए बी के अंदर लगाते हैं एन सी वी डी टी, सी वी डी टी क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एन सी वी डी टी, सी वी की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस है ये हीलियम, तो 3/2 R हो जाएगी। और अब आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आर डी टी की वैल्यू, देखो कैसे पी वी एन आर टी लिखें, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है ए बी में, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर तो चेंज हो रहा है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो वी इंटू डी पी इज एन आर इंटू डी टी, डी टी भी चेंज होगा, डी पी चेंज होगा, वी चेंज नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एन आर डी टी की जगह क्या आएगा, वी डी पी, तो एन आर डी टी की जगह वी डी पी। अब वॉल्यूम आपके इस प्रोसेस में कितना चल रहा है, वी नॉट, और प्रेशर कितना हो रहा है, टू पी नॉट माइनस पी नॉट, तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह आएगा वी नॉट, यहाँ पर आएगा वॉल्यूम की जगह आएगा वी नॉट और प्रेशर की जगह टू पी नॉट माइनस पी नॉट, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी। तो हीट की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, हीट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है बी सी, बी सी, बी सी के अंदर ये क्या है, टू पी नॉट है, तो प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, टू वी नॉट और वी नॉट, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एन सी पी डी टी, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, एन सी पी डी टी, सी पी की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस की पता है आपको क्या है, और क्या बचा, आर एन आर डी टी, फिर से गैस की इक्वेशन लिखो, क्योंकि इस बार प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो क्या आएगा, पी इंटू डी वी इज एन आर इंटू डी टी, तो एन आर डी टी की जगह क्या पुट करेंगे, पी डी वी, पी डी वी, प्रेशर कितना है, टू पी नॉट है, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू मेरे इस केस में क्या चल रही है, टू पी नॉट है, और वॉल्यूम टू वी नॉट माइनस V नॉट है, तो वॉल्यूम की जगह 2V नॉट माइनस V नॉट है, सॉल्व करके टर्म आएगी। तो टोटल हीट की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्व 15.4% आएगी। अब देखो ये तो नॉन मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल में हो सकता है वो पूछ ले कि पॉजिटिव हीट बता दो, बस वही कैलकुलेट कर लो, क्या पता वो ये पूछ ले कि ए बी की हीट बताओ कितनी है, कितनी हीट दी हमने ए बी को, क्या पता पूछ ले बी सी की हीट बताओ, क्या पता ये पूछ ले कि इस किसी भी प्रोसेस में वर्क डन आपको दे दे, क्यू पॉजिटिव आपको दे दे और डिवाइड करके आपसे एफिशिएंसी पूछ ले। मैंने एक क्वेश्चन तो देखा हुआ है जिसमें साइक्लिक प्रोसेस में इसकी हीट उसने दे ही दी 10 जूल 15 जूल 20 जूल 15 जूल, अब ये नहीं बताया कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, वो आप डिसाइड करें कौन सी हीट पॉजिटिव कौन सी हीट नेगेटिव, पर इन वैल्यू से एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इतने बड़े कैलकुलेशन से आप फिर बच जाते हैं।
पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या कैलकुलेशन है इसकी। फिर ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन में ए बी क्यों लिया है वो वाली चीज वापस बता दो, कौन सा, जो आपने पॉजिटिव हीट सप्लाई में ए बी क्यों लिया, सब बी सी क्यों नहीं लिया? ए बी इसलिए लिया क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, और बी सी इसलिए लिया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, सी डी इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम तब होता है जब हीट बाहर निकल जाती है, क्यू नेगेटिव हो गया, पर यस वो सर, कंप्रेशन में वैसे ही कंप्रेशन हो रहा है तो हीट बाहर निकल रही है। ओके सर, अगले साल फिर क्वेश्चन आया कंसेक्टिव, सेम क्वेश्चन आया, बस फर्क है कह रहे क्यू पॉजिटिव बता दो, हीट एक्सट्रैक्टेड बताओ सिस्टम में से कितनी है, एफिशिएंसी की जगह हीट एक्सट्रैक्टेड पूछ लिया, तो हीट हीट पूछ लिया, बात खत्म, हमने निकाल ही लिया है तो हीट एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम जो दी हुई है वो कैसे दी हुई है। पहला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, आंसर बोलो। देखो वो कह रहा है सोर्स सप्लाईज हीट टू द सिस्टम, मतलब हमें क्या दे रहा है, हमें ना हीट दे रहा है, तो डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू वो हमें हीट दे रहा है, कितनी, 1000। फिर वो कह रहा है वर्क कितना है, 200, कह रहा है डी यू कितना है, 800। मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इससे नीचे कुछ नहीं आया होगा, अब इससे नीचे क्या देगा वो आपको यार, ये तो वही बात कह रहा है कि 10 रुपए लेके गए, 5 रुपए की ब्रेड आ गई, बचे कितने, भाई 5 रुपए ही बचे हैं, तो बचा क्या है, तुक्का भी मारना होगा तो माइनस करके इतना ही निकाल लोगे और क्या निकाल लोगे। तो ये दो मेन चल रहा है ये, ठीक। नेक्स्ट है मतलब नीट का पेपर देखो क्या था वो, मैं जो एरिया निकाल ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल, और देख लो क्या चल रहा है अभी। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ हमने क्लास में किया है, पर लिक्विड्स के अंदर किया है हमने। आपको याद है क्वेश्चन करवाया था बुकलेट में से, एक बबल है तो वो पानी के नीचे एच डिस्टेंस पे और सरफेस पे आ गया, जो पानी के नीचे है उसका वॉल्यूम छोटा है, जो ऊपर आ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि प्रेशर पानी का कम हो गया, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लगाना है, यही लगाना है इसमें, तो इसके अंदर यही लगाना है P1V1 P2V2। पानी के नीचे जो प्रेशर होगा वो एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस HρG होगा, और वॉल्यूम V2 होगा, पानी के ऊपर प्रेशर क्या होगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक होगा और वॉल्यूम V1 होगा, तो निकाल के आंसर V1 की वैल्यू कैलकुलेटेड।
इफ द सिस्टम परफॉर्म्स, सिस्टम परफॉर्म कर रहा है तो फिजिक्स में सिस्टम परफॉर्म का वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव. केमिस्ट्री में उल्टा होता है. नेक्स्ट देखें. तो इसके अंदर एक जो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट वन है, इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम टेम्परेचर इंक्रीज होगा. होगा कि नहीं होगा? जरूरी नहीं है. क्यों? कोई ऐसा केस बताओ. जरूरी नहीं है जिसमें कोई ऐसा प्रोसेस. आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज तो होता नहीं है, पर हम हीट तो उसमें देते ही हैं, तो हीट ऐड करते हैं और टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज. नहीं, जरूरी नहीं है. आइसोथर्मल इंक्रीज नहीं होता, हीट लेते हैं आइसोथर्मल. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई. नेक्स्ट है, इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज. क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? पी डीवी. भाई अगर पॉजिटिव वर्क डन पॉजिटिव है तो डीवी भी पॉजिटिव है, तो वॉल्यूम इंक्रीज. तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी. ठीक है आंसर. नेक्स्ट, आंसर है ए लग रहा है. इसका आंसर डी है. तो दो कंटेनर्स हैं ए एंड बी, प्रेशर पी एंड वी है, टेम्परेचर टी है. ए गैस को कंप्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मली, तो 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, और ए को एडियाबैटिकली कर रहे हैं 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम. रेशियो ऑफ प्रेशर निकालना है. तो ये भी 1/8, ये भी 1/8, गामा आपको पता है. तो आइसोथर्मल के लिए पी वी इज अ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से सॉल्व करके पी डैश निकाल लें. एडियाबैटिक के लिए पी वी इज टू वर्क गामा इज अ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लें? पी वी डैश निकाल लें. फिर इनकी रेशियो निकाल लें. रेशियो जब करेंगे तो 8 8 8 हरीज टू वर्क गामा -1, गामा आपको पता है, सॉल्व करके 4 आंसर. ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?
गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो क्या आंसर मार्क करोगे? बी करोगे कि एडियाबेटिक कंप्रेशन में देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भाई आइसोथर्मल थोड़ी ना एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में डीयू तो होता है। तो बी ऑप्शन सही है, नॉट करेक्ट बताना है। नेक्स्ट, सीआरटी का पहला क्वेश्चन बॉइलिंग वाला सेम क्वेश्चन, वैल्यू भी चेंज नहीं की उसमें, वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, डीयू निकाल दो। आंसर सेम क्वेश्चन है, डीयू निकाल देना। नेक्स्ट, ये रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में इन विच इंटरनल एनर्जी सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज आइसोथर्मल। किस्मत वाला है भाई जिसके सेट में आ गया। नेक्स्ट, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन प्रेशर ऑफ द गैस गिवन है, ए कॉन्स्टेंट है, बल्क मॉडुलस निकालना है। यार ये तो मैथ का क्वेश्चन है, बल्क मॉडुलस निकालना है, होता क्या है बल्क मॉडुलस बताओ? माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इसको ठीक तरह करके लिखेंगे, डी पी डी वी इन टू वी। तो यहाँ से काम क्यों नहीं करते, इसको डिफ्रेंशिएट करके डी पी बाई डी वी निकाल लें, पुट कर दे, आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। पेन हाथ लाना पड़ता है इसके लिए, कर लो आंसर क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, बी आंसर है, ये प्रेशर है, इसको डिफ्रेंशिएट करें डी पी बाई, क्योंकि ये बल्क मॉडुलस है, डी पी बाई डी वी के लिए इस पी को उठा के इसमें पुट करें, डिफ्रेंशिएट करें, ए कॉन्स्टेंट है माइनस थ्री, वी की पावर माइनस फोर, तो वी नीचे चला गया, इसको उठा के यहाँ पुट करें, अपना आंसर आएगा। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, लास्ट लेक्चर का आखिरी फॉर्मूला पता है क्या था? फाइंडिंग बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, पता है क्या आंसर था? पी। और एडियाबेटिक में क्या था? गामा पी। मैं अभी सोच ही रहा था मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, पी वी रेज टू पावर थ्री इज सम कॉन्स्टेंट, तो गामा, इमेजिन देखो गामा नहीं होता है वैसे, गामा की जगह थ्री पुट कर दिया, तो गामा इन टू पी, थ्री पी आंसर है। मैं मन में ही सोच रहा कि तो सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, थ्री पी बोल के देखूंगा ना, देखो डर रहा था, पहली बार ट्राई कर रहा था, कभी किया नहीं था, मैं गलती ना हो जाए कहीं, तो सोचा पहले डिफ्रेंशिएशन ही सिखा दूँ, पर सही है ये।
ये लो। द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस पी नॉट वी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट बाई फोर है। सडनली, सडनली का मतलब एडियाबैटिक है, सडनली हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो गामा पूछ रहा है मेरे को लगता है, गामा पूछ रहा है, नहीं नहीं सॉरी वो पी पूछ रहा है और गामा दे रहा है, सॉरी गामा दे रहा है, ये तो फिर है ही कुछ नहीं इसमें। तो पी वी और गामा इज अ कॉन्स्टेंट, द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक है। तो पी वी रेस्ट पर गामा इज अ कॉन्स्टेंट से निकाल लेना। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर आप लगा लेना इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, सडनली क्या कर दिया वी नॉट बाई फोर कर दिया। तो ऐसा कर लो ना, इसको छोड़ो, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू पी इन टू वी नॉट बाई फोर रेज टू पावर गामा, पी निकाल लेना आंसर बेस्ट। ठीक, आ गए तो यार वर्क डन निकाल दो कहता है इसका, एरिया इनसाइड अ साइकिल तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यूनिट्स चेक कर लेना, ये पास्कल है और ये मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है आंसर। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, एडियाबेटिक का वर्क डन का फॉर्मूला पूछ रहा है 1 मोल का, जब वॉल्यूम ट्वाइस कर दी तो लगा दो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किया तो था 1 मोल में, आर इसमें मिसिंग है, आर टी वन माइनस टी टू बाई गामा माइनस वन, आंसर इजी क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट
बी आंसर लग रहा है इसका आंसर, हाँ बी है। ठीक है, तो इसमें क्या किया उसने, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर इतने पास्कल। तो आपको पता है कि 1 ग्राम ऑफ लिक्विड है, प्रेशर पता है। 10% ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय 1600 सेंटीमीटर क्यूब ड्यूरिंग दिस फेज चेंज। तो वॉल्यूम आपको बता रहा है वो, इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय, डेल्टा भी दे रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का है भाई, पी दे रहा है डेल्टा भी दे रहा है, तो वर्क डन आ गया। तो आपको क्या करना है, 10% ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो पहले तो वर्क डन निकालो पीडीवी से, एक आंसर आ गया। उसके बाद आपने हीट दी कितनी, 10% ऑफ हीट इज यूज इन वर्क डन, मतलब हीट ज्यादा दी थी, वर्क डन 10% है। तो अगर वर्क डन सिर्फ 480 है तो हीट, तो मतलब हीट का 10% 480 है, तो हीट कितनी रही होगी, 4800, तभी तो 10% 480 है। तो क्या आ गया, डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा डब्ल्यू आ गया, डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बाकी जो हीट है वो सारी की सारी, नहीं तो माइनस कर लो, माइनस करके भी आंसर सेम आएगा, परसेंटेज निकाल लो तो भी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं। क्लियर है यहाँ तक इसका आंसर? ए है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का आइसोथर्मल ग्राफ ही ये बनता है, और टेम्परेचर बड़ा करना है तो ग्राफ बड़ा बना दो, प्रेशर वॉल्यूम बड़ा कर दो, बात एकदम NRTP बड़ा होगा, TPS ही बड़ा हो जाएगा, ए ग्राफ है इसका, तो स्टैंडर्ड ग्राफ है। ये सबसे परेशान होते हैं, ये तो करने करने होते हैं किसी बच्चे ने, तो छोड़ता ही नहीं कोई भी। चेक करें बी कैसे, आइसोथर्मल प्रोसेस में A2 नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन से चेक करते हैं, आइसोकोरिक के अंदर नो वर्क इज डन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्क डन डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, बी आसान है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ध्यान से, ठीक है, और प्रेशर किलो पास्कल में ध्यान से। तो आप यहाँ से वर्क डन निकाल लेना ट्रेपेजियम का, ये वर्क डन जो आएगा ट्रेपेजियम का वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कंप्रेशन का वर्क डन है। तो आपको इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ नो हीट इज सप्लाइड, तो डी क्यू की वैल्यू इसमें क्या लेनी है, जीरो, और क्या निकालना है, डी यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन में डी डब्ल्यू निकाल लोगे, डी क्यू लेना नहीं, सॉल्व करके क्या आएगा, डी यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आसान पेपर आया हुआ है, तो आप 23 के बजाय ना 22 और 21 भी कर लेना, ताकि एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाए, है ना, ये टू ईजी है थोड़ा सा उस हिसाब से। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि फर्स्ट लॉ में ना पोलिट्रोपिक दिया ना कुछ दिया, बहुत ही सिंपल, जबकि आज की असाइनमेंट का लेवल इससे कहीं ज़्यादा था, वो ज़्यादा बेटर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। असाइनमेंट वाइज कर जाना, अगर अपर फ्रिक्वेंसी भी आएगी तो असाइनमेंट ठीक कर देगी उसे। नेक्स्ट जो अगला पार्ट है इसमें वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेन चीज़ दो ही है, कार्नोट, और दूसरी चीज़ क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो रूल नंबर 1, अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है T1 है, और सिंक का T2 लो है, और हीट कोई भी इंजन हीट लेगा सोर्स से Q1। याद रखना न्यूमेरिकल में T1 हमेशा बड़ा होगा, T2 हमेशा छोटा होगा, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा बड़ा होता है और सिंक का टेम्परेचर हमेशा छोटा ही होता है, याद रखना।
और वर्क डन कितना करेगा Q1, और Q2 हीट फेंक देगा सिंक में, तो वर्क डन क्या करेगा Q1 माइनस Q2। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला कितना आउटपुट वर्क डन हुआ और कितनी इनपुट हीट थी, ये पहला फॉर्मूला एफिशिएंसी का। दूसरा फॉर्मूला एफिशिएंसी का कि वर्क डन की जगह वैल्यू वैल्यू पुट करो Q1 माइनस Q2, तो सॉल्व करके आएगा 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ये दूसरा फॉर्मूला एफिशिएंसी का। तीसरा एक और फॉर्मूला एफिशिएंसी का जो अभी प्रूव भी करेंगे, 1 माइनस T2 बाई T1, ये भी तीन फॉर्मूलाज हैं। तो ये ग्राफ, ये डायग्राम और ये तीन एफिशिएंसी के फॉर्मूले से कोई भी यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लिए। मेंस में भी कारनोट कट गया, रेफ्रिजरेटर भी चेक कर लो, कोर्स खत्म हो गया, थर्मो का फिर रह गया क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, कारनोट चेक कर लो, कट गया है ना पक्का, नीट में भी कटा है, फिर 2 मिनट करा देता हूँ, 5 मिनट और सुन लो। ठीक है, 5-7 मिनट तो रह गए, तो फॉर्मूला ही तो बताने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कट गया तो ठीक है, नहीं तो ऐश करो तो बात खत्म। तो ये फॉर्मूलाज हो गए। नेक्स्ट है इसके अंदर कारनोट के अंदर के बाद रेफ्रिजरेटर है, इसका फॉर्मूला भी नोट कर लें। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में ये सोर्स है और ये सिंक है, रेफ्रिजरेटर में वर्क डन किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक से ली जाती है और Q1 को फेंका जाता है, Q2 यहाँ से उठा के बाहर फेंकी जाती है Q1, और वर्क डन किया जाता है Q1 माइनस Q2। डायग्राम नोट कर लें, इस डायग्राम के साथ इसकी एफिशिएंसी नहीं होती, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का ये फॉर्मूला बीटा Q2 बाई W है, या ये फॉर्मूला, और दूसरा ये पहला फॉर्मूला ये Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, और दूसरा फॉर्मूला बीटा का T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। बस ये दो फॉर्मूलाज काम आते हैं। ठीक है, ये इसके फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज के बाद कारनोट साइकिल का ये कुछ नहीं, थ्योरी तो आपने करनी नहीं है इसमें बिल्कुल भी। दो तीन न्यूमेरिकल्स हैं इसके जो बड़े फेमस हैं, पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद दो दो करके इसको क्लोज करते हैं। तो सोर्स टेम्परेचर कारनोट का गिवन है, तो सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है, एंड इट टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, तो Q1 है, एंड रिजेक्ट्स 400 कैलोरी टू सिंक यानी कि Q2 है। तो आपको टेम्परेचर ऑफ सिंक निकालना है यानी कि T2। एफिशिएंसी के दोनों फॉर्मूलाज आपको आते हैं, आपको इस क्वेश्चन में T2 निकालना है, T1 पता है, Q2 पता है, Q1 पता है, आंसर आ जाएगा। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, इसमें रिवर्सिबल इंजन यानी कि कारनोट इंजन रिवर्सिबल इंजन भी है, कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क। तो 1/6 ऑफ इनपुट इनटू वर्क का मतलब कि जो वर्क डन है वो 1/6 इनटू इनपुट हीट है। तो यहाँ से वर्क डन बाय हीट क्या जाएगी, 1/6, यानी कि एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी 1/6 है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62, सिंक का टेम्परेचर 62 कम हो गया, एफिशिएंसी डबल हो गई, फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। पहले केस में एफिशिएंसी कितनी है, 1/6 है, टेम्परेचर T2 T1 है, सॉल्व करके T2 T1 में रिलेशन आ गया। केस नंबर 2 में अगर सिंक का टेम्परेचर 62 कम कर दें, सोर्स का रिमेनिंग द सेम, एफिशिएंसी डबल हो गई, तो एफिशिएंसी 1 माइनस T2 की जगह T2 माइनस 62 बाई T1, इसे और इसे साइमल्टेनियस सॉल्व करके T2 और T1 की वैल्यू आएगी। ठीक, एक क्वेश्चन ये वाला जिसमें दो इंजन हैं और सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में कैसे, ये मान लो 800 केल्विन है, यहाँ से हीट उठाई Q1 और टी सिंक पे फेंक दी Q2, फिर इसने यहाँ से हीट उठाई Q2 और सिंक में फेंक दी 300 केल्विन पे Q2 डैश। क्वेश्चन में गिवन है आउटपुट दोनों इंजन की सेम है, तो इसका टेम्परेचर सिंक का निकालो, आउटपुट का मतलब होता है वर्क डन सेम है। तो पहली बात, इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, 1 माइनस Q2 बाई Q1 या 1 माइनस T2 बाई T1, इक्वेट करके रेशियो आ गई। फिर ऐसे यहाँ निकाल लो, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1 माइनस Q2 डैश बाई Q2 1 माइनस 300 बाई T, ये रेशियो आ गई। अब वर्क आउटपुट सेम है, आउटपुट का मतलब वर्क डन Q1 माइनस Q2 और इसका आउटपुट क्या है Q2 माइनस Q2 डैश सेम है, इन्हें डिवाइड कर लिया Q2 से, इसकी रेशियो ऊपर से पुट कर दो, इसकी रेशियो ऊपर से पुट कर दो, T की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है कारनोट का, आप कह रहे हो सिलेबस में कट गया तो अच्छी बात है, पर मैंने बता दिया कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।